कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, आप भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो क्यों हम गद्दार बन रहे, उस पर सोचना चाहिए। ABCD पढ़ता है कि पहले 6 लेंथ वे पर चला जाएगा, छोटे छोटे रोड नहीं बन रहे, गाँव कस्बे से हम निकल के जाएंगे 6 लेंथ वे डायरेक्ट, हमको गांव कस्बे का रोड सही चाहिए, चकाचक चाहिए। हम ABCD पढ़ के तो हम जाएंगे इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे कि हम डायरेक्ट जो एक डिग्री ले लें। आप किसी मोहल्ले में उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है कि जहां विकास से परे हो, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है। इस बार क्या विचार बन रहा है, विधायक बदलना है कि नया विधायक चुनना है? देखिए विधायक की बात नहीं है, मैं यह जानता हूँ कि इस बार 375 सीट से कम, ऐसा खौफ पैदा किया अपराधियों में, ऐसा खौफ पैदा किया कि आज अपराधी अपने पीठ पर दफ्ती टांग करके कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कप्तान साहब, माननीय कमिश्नर साहब, हमें जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में रहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मऊ जनपद के जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है? मऊ जनपद में इस समय लगातार लूट और छिनैती घटनाएं हो रही है, यहाँ तक अपहरण भी होने लगे हैं। देखिए क्या कहना चाहते, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हत्या मर्डर लूट की घटनाएं ये बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। इस समय मऊ सरकार में आंकड़ा बढ़ रहा है, तो क्या वजह है? आंकड़ा मऊ बढ़ रहा है। तो विधायक जी जो कुछ यहाँ काम कैले हम, विधायक जी देखिए क्योंकि एक्चुअली हम लोग संगठन से हैं और विधायक जी ने काम, विधायक जी के काम के बारे में बहुत हम विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते। कार्यकाल अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा, बुलडोजर चलवा देंगे, कोई गरीब अगर अपनी मांग कर रहा है तो पुलिस वालों से लाठीचार्ज करा के पिटवा दीजिए, यही तो कार्यकाल रहा है, पूरा पिटवाइए, हक मांगने का अधिकार रहबे नहीं करे कि, ताकि जबकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई चीज मांग हम रख सकते हैं। इनसे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में सरकार ने कितना काम किया। चचा नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कुशवाहा जी, मैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जो आपने प्रश्न किया कि कितना धरातल पर काम हुआ है, तो धरातल पर यह कि लोगों ने इस बार सड़क पर ही धान का रोपण किया और जगह जगह लघुपुर का भी आंकड़ा निकला था कि इतना पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन जैसे आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ एकदम उबड़ खाबड़, आपके कमर में दर्द भी बढ़ाएगा, जनता परेशान है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, गिरते रहते हैं, इस तरह सारी परेशानियां सारे तरफ है और कहीं कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, केवल हवाई फायर होता है और हवाई फायर से काम चलता है। योगी सरकार जो दावा कर रही है कि जो पिछले 4.5 साल में कानून व्यवस्था हो, रोजगार की बात हो, साथ ही विकास में पूरा ऐतिहासिक काम हुआ है, बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है कि बेचारे जो 69,000 शिक्षक थे, जो जिसमें उसमें घोर लापरवाही की गई, उसमें मेरिट को तहस नहस करते हुए सवर्णों को उसमें रख लिया गया और आज वो बेचारे बेरोजगार हैं, उनका हक नहीं मिल रहा है। उनको सरकार जब वो अपना हक मांगने जाते हैं तो उनके पर उनके पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक जो श्रीराम सोनकर हैं जी, काम किए? हमको तो नहीं लगता है कि वो काम किए हैं, केवल हवाई, जैसे योगी हवाई फार मारते हैं वैसे वो भी हवाई फार मारते हैं। चचा का नाम बात? डॉक्टर रामदीन नाम हमारा है। कुछ काम कैला श्रीराम सोनकर? श्रीराम सोनकर तो काम क्या किए हैं आप बता ही दिए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे और आप देख रहे हैं सामने कि एकदम कितना बढ़िया काम किए हैं, जनता के बीच में क्या किए हैं, कितनी इस जनता की बात को, आवाज़ को उठाते हैं। यही लाठीचार्ज होता अभी अगले जो है वो में लॉकडाउन में जो है हम लोग पानी पिला देते थे, जाते थे भूखे प्यासे को खाना खिला देते थे, तो पुलिस वाले उस पर भी लाठीचार्ज करते थे, तरह तरह पीटा जाता था, तो क्या किए। तब से स्थानीय विधायक है उनको यहाँ रह कर के लोगों के दुख दर्द को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों को भी जो करना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप तमाम तरीके से ये विधायक जी हैं, यहाँ बैठते भी हैं संजोग से। सरकार तो दावा कर रही है योगी और मोदी दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, ये तो सही बात है, अगर विकास की गंगा तो बहा ही रहे हैं, अगर कोई हक मांग रहा है तो इन्हीं के पुलिस वाले लाठीचार्ज करके पीटते हैं, यही तो विकास तो हो रहा है, कहाँ बेरोजगारी, तमाम लड़के पड़े हुए हैं इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, कहाँ किसको कितने को नहीं मिल गई। विकास करने के नाम पर तो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, इनके दावों को क्या कहा जाए। धरातल पर देख लीजिए कहीं है यहाँ पर एक और। अच्छा आपका नाम? छोटू प्रसाद पांडे, भाजपा उत्तर प्रदेश सुंदर विधानसभा का नेता हूँ। जनता तो कर रही है केवल हवाई काम हुआ, आपको लगता है कुछ काम हुआ? जनता जो कह रही है, जनता वास्तविकता को देखे कि जो भी सरकारें आती हैं वो सरकार गरीबों के हित की सरकार आनी चाहिए और गरीबों के हित में काम करना चाहिए,
भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार, मैं समझ रहा हूँ कि गरीबों के हित में ही उन्होंने काम किया है। अब जैसे आवास का ले लीजिए, उठा लीजिए, जिसके पास छप्पर था, मंडई थी, उसको आवास उन्होंने दिया, बड़े पैमाने पर आवास दिया। 11 करोड़ लगभग जो है इन्होंने शौचालय दिया है, इन्होंने क्रय केंद्र में खोल करके बढ़िया बड़े पैमाने पर, पहले 2014 में 11 रुपया आपको मिलता था गरीबों को ये गेहूँ का, और आज के समय में 1995 रुपया मिल रहा है। धान का भी रेट जो है बहुत अच्छा मिल रहा है इनको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है गरीबों के लिए, मतलब किसानों के लिए सम्मान निधि मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गरीब सारे खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं। वो तो बता रहे हैं लोग कि सड़क की स्थिति बदहाल है, कानून व्यवस्था चरम पे है। आज़ादी से अब तक जितनी अच्छी सड़क की व्यवस्था भाजपा सरकार ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया है। 6 लेन अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके पहले 4 लेन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहीं कोई बता दे कि कहीं इस तरह की बात हो, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह हर तरह चमाचम मामला है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री राम सोनकर, उनको लेकर के आवाज़ उठता है कि वो क्षेत्र में कम रहते हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, क्या इस बार मूड है यहाँ की जनता का? अब देखिए, जनता का विषय जनता जाने, जनता स्वतंत्र मालिक है, लेकिन जहाँ विधायक नेता हम लोग हैं, पार्टी के हम हैं, जहाँ कोई आवश्यकता गरीबों के प्रति है, जनता के प्रति, वहाँ हम रहते हैं, रहेंगे, किसी भी मामले में जब कोई बात आएगी तो हम लोग रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं काम हुआ, लेकिन चाचा ये बताइए, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं श्री राम सोनकर, कुछ काम किए पिछले 4.5 साल में? 4 साल में तो बता ही दिए हैं कि कितना काम किए हैं। दरअसल देख लीजिए सामने आपके खनजा, कितना बढ़िया सड़क है, यहाँ रुकते हैं, 4 लेन बन रहा है सामने, तो 4 लेन बन रहा, वो तो 4 लेन बहुत जमाने का पास, अखिलेश के समय सपा सरकार से हुआ था, कोई इनका नहीं है, वो तो नया तो कोई काम है नहीं। एक ही तो बात मैं कह रहा हूँ कि यार आप बैठे, एक आप बैठ यहाँ खड़े हुए हैं, देख लीजिए यहाँ गाड़ी उनकी रुकती है, लेकिन कितना ईंटा निकला हुआ है इसको दिखा लीजिए, देख लीजिए कितना साफ है, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कितना विकास किया है। योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा बाबा जी का? योगी जी का कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बुलडोजर चलवा देंगे, कोई गरीब अगर अपनी मांग कर रहा है तो पुलिस वालों से लाठीचार्ज करा के पिटवा दीजिए, यही तो कार्यकाल रहा है, पूरा पिटवाइए, हक मांगने का अधिकार रहबे नहीं करे, कि ताकि जबकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई चीज़ मांग हम रख सकते हैं, कोई चीज़ कह सकते हैं, दुख दर्द कह सकते हैं, जो राजा उससे दुख दर्द हम कहने जाएं, उसके पहले पीट करके हमको खुद सोच कर दिया जाए कि मैं दुख दर्द कह ही नहीं पाऊँ। किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री किस तरह का मुख्यमंत्री? वो को जो लोगों के दुख दर्द तो समझे, बेरोजगारी नौजवान जो आज भटक रहे हैं उनके विषय में समझे, आज जो अत्याचार चाहे कोई चीज़ बढ़ रहा है उसके विषय में एक बार सोचना चाहिए कि होता है क्यों, आखिर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं गलती क्यों कर रहा हूँ। कहावत है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, आ भूख इंसान को गद्दार बना देती है, तो क्यों हम गद्दार बन रहे हैं उस पर सोचना चाहिए। तो सरकार तो कह रही है कि सब कुछ मस्त है, फ्री में राशन बट रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक बताइए कि उनका पानी का कई हज़ार चल लग जाता है, और एक इंसान को 5 किलो गेहूँ मिल जाता है, तो चावल मिल जाता है, एक महीना कैसे 5 किलो में खाएगा? इतने भाई लोग हैं बता दें, एक आदमी की यूनिट यही ना 5 किलो की है, 5 किलो में कैसे वो खा लेगा गुजर बसर? यहाँ पर एक चाचा है, कैसन से काम हो पास? अरे काम के का पूछे के बाब, काम चल जाए। वलीदपुर घीरा सड़क देख ला, आज से हम 15-20 साल से देख रहे हैं उसी तरह पड़ी हुई है। अभी हम एक दिन गाड़ी लेकर चले गए बाइक से, तो हमको 100 रुपये का पर्चा काट दिया गया, हाँ वो भी 2 महीने का मान्य है। इतना RTO का, ये देखिए, ये RTO का हम देते हैं, फिटनेस देते हैं, ये देते हैं, और 2 महीने के लिए पर्चा माने 2 महीने बाद फिर 100 रुपया देंगे, फिर 100 रुपया दे। तो देखिए आपके सामने देखिए क्या रोड सेफ्टी है। और मैं उनको बताया कि यहाँ रोड सेफ्टी है, यहीं रोड पे चले जाइए आप, बोली तुम्हें भीड़ा, हम कितने सेफ्टी हैं, पैसा भी देते हैं, रोड सेफ्टी भी नहीं मिलता है, बताइए ये सब तो चल रहा है। किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं? हम भी वोट दिए हैं 2019 में, 2014 में, देने के बाद भी हम भी, हमको बच्चा पहले ABCD पढ़ता है कि पहले 6 लेंथ पे चला जाएगा, छोटे छोटे रोड नहीं बनने, गांव कस्बे से हम निकल के जाएंगे 6 लेंथ पे डायरेक्ट, हमको गांव कस्बे का रोड सही चाहिए, चकाचक चाहिए। हम ABCD पढ़ के तो हम जाएंगे इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे कि हम डायरेक्ट जो है डिग्री ले लें, हमारा रोड सही चाहिए, हमारे गाँव का रोड सही चाहिए।
तो यही होगा। कांड हुआ था, गैस कांड हुआ था वलीदपुर भीरा में, सारे मंत्री विधायक कितने लोग गए, उनको क्या दिखाई नहीं दिया कि वो रोड कैसा है? सही है, उसी में जाते हैं आते हैं। तो ये मंत्री जी विधायक कर रहे हैं, सब गड्ढा मुक्त है, सड़कें खूब चमक रही हैं। आप जाइए, आप सामने जाइए, सर्वे करिए, हमसे क्या, हम तो दिखा रहे हैं आपको, जहाँ जहाँ कहिए वहाँ वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। नेता जी लोग वोट मांगने जाएंगे तो किस तरह का नेता चुनना है? नेता किस तरह का चुनना है, अब जो है कि चुन के देख चुके हैं, अब तो जो जिसका जो दावा होगा, जो जिसका जो दावा होगा समझेंगे, जब तो चुनाव स्टार्ट हो रहा है। अभी अखिलेश यादव इसके पहले मुख्यमंत्री थे, इसके पहले मायावती थी, वर्तमान समय योगी, तीनों में किसका काम अच्छा लगा? काम तीनों में तो अखिलेश का ही जो है अभी तक विकास दिखाई दे रहा है। क्या अच्छा लगा? अखिलेश का ही सारा विकास अभी तक जो है, नौकरी मिली, उद्घाटन हुआ, जगह जगह फीता कटे, जगह जगह सब, ये जो सड़क बता रहे थे भैया जी, ये फोर लेन सामने आपके, फोर लेन अखिलेश यादव के समय का है, जिसको बीच में इन्होंने रुकवा भी दिया था, फिर अपना नाम दे रहे हैं। सिक्स लेंथ भी अखिलेश के सरकार में ही उद्घाटन हुआ था, तो मान ला उसमें जो है। तो चाचा आपसे बात करना चाहते हैं कि जो तीन मुख्यमंत्री अब तक थे, तीनों में कौन अच्छा लगा? तीनों भाई अपने अपने पार्टी लेवल पर अलग अलग लोग रखते हैं, लेकिन जो है बीएसपी की सरकार थी इसमें लगभग मेरे समझ से अच्छा रहा है। उसमें किसी जात विजात के स्व समाज की बात लेकर जो उनका नारा है था, नारा किताब स्व समाज का उन्होंने काम किया। कोई ये नहीं कर सकता कि हमारा या उनके किसी भी भर्ती में कि उंगली उठा सकता है कि घूस लेकर के किसी को भर्ती कर दिया जाए, चाहे ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। एक मायावती भी दावा लगा, आरोप लगा कि वो पार्क बनवा दी, इस बार दावा करें पार्क नहीं बनवाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई पार्क बनवाने सब लोग बनवाते हैं, क्या ये नहीं बनवा रहे हैं? ये तो थाली पिटवा दिए, दिया जलवा दिया, क्या क्या नहीं कहे धर्म का, क्या उस धर्म को हम नहीं मानते हैं? क्या रामचंद्र जी को हम नहीं मानते हैं? हम भी तो मानते हैं, धर्म के नाम पर ही तो एकदम टोटल शोषण कर रहे हैं, ये का बना लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उससे हम अलग हैं, ये समाज जितना हमारा समाज है भाई परिवार, इससे हम अलग हैं, लेकिन आप कितना बाहर हैं आप खुद जान रहे हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कोई भी पार्टी धर्म के नाम पर पैसा खर्च करती है तो सही है या जनता के लिए खर्च करना चाहिए? देखिए धर्म के नाम पर राजनीति करना है तो सबसे बड़ी गलत है, सबसे बड़ी गलत बात है। दूसरी बात ये जनता के बीच में जैसे हम कहें कई बार में कि नौजवानों के विषय में इनके दर्द दुख समझिए, खान पान कैसे, रहन सहन उनके विषय में सोचिए कि हमारा विकास कैसे हो, मूल चीज विकास, लोकतांत्रिक देश है, विकास करना जरूरी, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, लोग भूखे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जनता जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे, विकास पे तमाम मुद्दों बात कर रही है, यहाँ पर कुछ लोग भगवाधारी दिख रहे हैं, इन लोगों से बात करेंगे, क्या मुद्दे, आपका परिचय? मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी आर एम बलिया से। कितना काम हो रहा है योगी जी के कार्यकाल में? देखिए यह हिंदुस्तान की जनता है, लोगों का अलग अलग मत है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो है जो कार्यकाल रहा, या उत्तर प्रदेश ही नहीं, यह विश्व स्तर पर भी सराहना की जा रही है। मेरा मानना है अभी विगत सरकार रही, जगह जगह भय व्याप्त था, व्यापारियों में भय व्याप्त था, बड़े लोगों में भय व्याप्त था, चोरी हत्या लूट मर्डर अपराधियों का हौसले बुलंद थे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ऐसा खौफ पैदा किया अपराधियों में, ऐसा खौफ पैदा किया कि आज अपराधी अपने पीठ पर दफ्ती टांग करके कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कप्तान साहब, माननीय कमिश्नर साहब, हमें जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में रहना चाहता हूँ। आपको लगता है कि मऊ जनपद के जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है? मऊ जनपद में इस समय लगातार लूट और छिनैती घटनाएं हो रही है, यहाँ तक कि अपहरण भी होने लगे हैं। देखिए क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हत्या मर्डर लूट की घटनाएं ये बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। इस समय मऊ सरकार में आंकड़ा बढ़ रहा है तो क्या वजह? नहीं, आंकड़ा मऊ बढ़ रहा है। देखिए प्रशासन चौकी, देखिए लुटेरे, देखिए अपराध बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता, वो सरकार कोई भी होगी, समझ? हाँ, नियंत्रण 80% जो है अपराध पर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की जनता इसे महसूस कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इसे महसूस कर रही है और आगामी मांग कर रही है 2022 में जो है उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का निश्चित रूप से सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे मोहंदाबाद गोना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कुछ विकास आपको दिखा?
बिल्कुल विकास जी का कुछ बता दीजिए एक दो काम। हमारे पूज्य महाराज जी ने सबका साथ स्थानीय स्तर पर नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश विकास दिखा। हम यहाँ पे विधानसभा की बात कर रहे हैं, जब वोट देने जाएंगे तो हम विधायक भी चुनते हैं, तो विधायक जी जो कुछ यहाँ काम कर ले। हम विधायक जी देखिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग संगठन से हैं और विधायक जी ने काम, विधायक जी के काम के बारे में बहुत हम विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी ने जो उत्तर प्रदेश स्तर पर जो काम किया है, ये सबका साथ सबका विकास के फंडे पर उन्होंने काम किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं वर्तमान यहाँ जो विधायक हैं उनके बात नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे एक वजह होती है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक होते हैं ये लोग नाखुश होते हैं, लेकिन पार्टी का तमगा लगा रहता है तो इससे बोलने पर बचते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, विधायक जी कुछ काम कर लें। विधायक जी काम, विधायक जी के बारे में तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा कार्य किया शायद वैसा कोई मुख्यमंत्री आज तक कार्य नहीं किया है। तो जो चाचा विधायक जी उस काम कर ले। हम अच्छा है, हमने तो ना कुछ लौकत है कि कहले हम खुद परेशान है। हमारा घर गिरत है, वो आवास भी रोक दहला कुल का। हम का बताएं आपसे कि घर हम बरसात में भीजत है, पुरानिया आदमी हम। लोग कहते हैं कि बाबा जी बहुत काम करते हैं, सबकर काम होता है। योगी जी तो करते बाड़ा, वो तो भाई उत्तर प्रदेश के मालिक का हम। अब हम का यहाँ से का करी हैं, अब हम का तो यहाँ से कर्मचारी लोग रोकत हम, आवासों रोक दिला, वृद्धा पेंशनियों हमें कहल कि इनके 3 लाख आमदनी है सलीना ना मिलेगा कुछ ना। तो देखिए यहाँ पर नेता जी हैं, ये कह तो रहे हैं कि स्थानीय स्तर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, भले बाबा दे रहे हैं। देखिए इनका कोई विवाद होगा या किसी का अपलेक्शन होगा, निजी मामला उनका है, लेकिन अगर आपको विकास देखना है तो आप किसी मोहल्ले में चले जाइए और जा करके लाभार्थियों से पूछिए कि उनको आवास मिला कि नहीं मिला है, उनको शौचालय मिला है कि नहीं मिला है, उनको खाद्यान्न मिला है कि नहीं मिला है, उनको किसान सम्मान निधि मिली है कि नहीं।